नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम ऐसी महान शख्सियत जन्म लेती हैं जो अपनी कला की रोशनी से कई जिंदगियों को रोशन कर देती हैं। उन्हीं में से एक नाम था पंडित बिरजू महाराज। बता दें कि 83 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज भले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए हो, लेकिन उनके घुंघरुओं की झनकार और आवाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। 4 फरवरी 1938 को जन्मे पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। बता दें कि उनका पूरा नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्रा था, लेकिन लोग उन्हें बिरजू महाराज कहते थे। बता दें कि पहले उनका नाम दुखहरण रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर ब्रजमोहन नाथ मिश्रा रख दिया गया। पंडित बिरजू महाराज के दुखहरण नाम के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा था। कहा जाता है कि 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के एक अस्पताल में 11 लड़कियां पैदा हुई थी, लेकिन इसी बीच उसी अस्पताल में इकलौते लड़के ने जन्म लिया था। वो इकलौता लड़का कोई और नहीं बल्कि पंडित बिरजू महाराज थे। ऐसे में उनके जन्म पर सब ने कहा कि दुखहरण आ गया, आज के दिन पहला लड़का अस्पताल में जन्मा है। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही कहा जाने लगा कि चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया, और फिर उनका नाम ब्रजमोहन रख दिया गया। पंडित बिरजू महाराज पूरी दुनिया में भारतीय कथक नृत्य का जाना माना चेहरा है। बिरजू महाराज को कथक विरासत में मिला था। उन्होंने कई देशों में अपने डांस परफॉर्मेंस से रोशनी भी खेली। वे ठुमरी, दादरा, भजन और गजलों पर एक मजबूत पकड़ रखते थे। वे खुद भी एक अद्भुत गायक थे। पंडित बिरजू महाराज कथक डांसर होने के साथ एक संवेदनशील कवि भी थे। बिरजू महाराज का जन्म एक ऐसे घराने में हुआ था जिनकी रूह में ही कला बसती थी। बिरजू महाराज कथक नृतकों के महान महाराज परिवार के वंश थे, जिसमें उनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता और गुरु अच्छन महाराज जैसी महान शख्सियतें शामिल थीं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।